बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर शुरू किया हुआ था, एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे। हमने उनके कुछ पहले हमने बाय फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, फिर हमने बाय कंप्लीटिंग स्केल उसको सॉल्व करना सीखा। अब उसका तीसरा मेथड है, दिस इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला कि हम कैसे किसी भी गिवन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन शर्त ये है मेरा बेटा कि दिस इक्वेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वी नो दैट दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Say this is 1, say this is 2, compare from 1 and 2, इन दोनों को compare कर, after comparing we can see that a is equal to 5, b is equal to minus 13 and c is equal to 6. We can find out the value of the coefficient of a, b and c respectively. A is equal to 5, b is equal to minus 13 and c is equal to 6. When we find the value of a, b, c, we know that the form quadratic formula, this is, we are using x, this is quadratic equation in term of x. Remember that this equation is in the form of x, we should use x. If this equation is in the form of y, we should use y. If this equation is in the form of z, we also using z. We want to say that this equation, whenever this in any form, we have used this form here. It's because we are using x, so this is x here. Now, b plus minus b square minus 4ac is equal to of 2a. We are using quadratic formula. अब यहाँ तक जाने के बाद मेरा बेटा, जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, अब हमें क्या करना है, ये जो डाटा हमारे पास मौजूद है ए बी सी, इसको उठा के इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। जहाँ पे बी है, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी का स्केयर माइनस 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी 6, एंड डिवाइडिंग बाय दिस इज 2 a into 5। हमने क्या किया, हमने a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर दी और c की जगह पर c की वैल्यू पुट कर दी। जब हम a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देंगे और c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे सामने जो है ये क्वेश्चन कुछ इस तरह इस शक्ल में आ जाएगी। यहाँ तक जाने के बाद फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, माइनस माइनस से ज़रब खाएगा, ये पॉजिटिव 13 हो जाएगा, दिस इज़ प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 30 स्केयर 169 माइनस 4 5 20 26 था, दिस इज़ 120, तो ये आ जाएगा दिस इज़ 10। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज़ 13 प्लस माइनस 169 में से 120 माइनस करें, कितना आता है 909624, this is 10. After this is 13 plus minus 47 is the square root of 7. ये 7 का स्केयर है। अब यहाँ तक जाने के बाद जब हम यहाँ तक चले जाएंगे, this is x is equal to 13 plus 7 by 10, 13 minus 7 by 10, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन था। According to this plus minus sign, first we use the sign of plus, second one is use the sign of minus. अगर आप माइनस को पहले लिख लें, प्लस को बाद में लिख लें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ तक जाने के बाद जब इसे जमा करेंगे, 13 प्लस 7 दिस इज 20 बाय 10, 30 दिस इज 6 बाय, यहाँ पे सॉरी 10 आएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में 10 है, तो ये दिस इज 10 आ जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 ओवर 5। तो x की जो कीमतें हैं, ये दो कीमतें निकल आई, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है 2, 3 बाय 5। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, यानी ये इसका सोल्यूशन है। तो आप इस तरह बड़े आराम से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी तो फिर मेरा बेटा हम उसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई यानी कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए बी और सी की कीमत आ जाएगी और ए बी और सी की कीमत को उठाकर मेरा बेटा हम उसको जो है वो
पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, जब हम उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास एक्स की दो कीमतें निकल आएंगी, तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने पहली टाइप देखी, अब सवालों में इसमें आप देखें मसलन अगली आपके पास स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 है, दिस इज एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरे पास इसकी स्टेटमेंट है। अब देखें यहाँ से स्टेटमेंट से ये बात बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल क्लियर है, द गिवन स्टेटमेंट आर नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो गिवन स्टेटमेंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम ये करना है जिससे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इसे क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तरतीब लगाएंगे एक्स स्क्वायर की टर्म्स पहले, फिर कोफिशेंट ऑफ एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म्स, तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली इन टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स ए बी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से किया माइनस बी एक्स, ए को एक्स से किया माइनस ए एक्स और ए को बी के साथ किया बी एक्स। सिमिलरली इन अदर केसेस दिस इज एंड अगेन, मैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तरतीब से लिख दिया है क्योंकि मेरी काफ़ी सारी प्रैक्टिस है, मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा यूज्ड हूँ, इसलिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा बेटा आपको इसको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह एक साइड पे लिख लें, दिस इज एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, जिस तरह हमने आपको सिखाया हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर फिर जब इसको ज़रब देंगे माइनस ए एक्स, फिर जब इसको ज़रब देंगे माइनस बी एक्स, जब इसको इससे ज़रब देंगे तो प्लस ए बी, इस तरह जो इसका आंसर आता है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इस डिपेंडिंग कि आप कितनी प्रैक्टिस है आप इसे किस तरह आराम से लिख सकते हैं, तो मेरा बेटा आप इसे इस तरह लिख लेंगे। अब देखें ये बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर, एक दो और तीन, इट्स विल बिकम थ्री एक्स स्क्वायर, फिर देखें माइनस ए एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स माइनस टू सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस टू कॉमन ले लें, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक जाने के बाद वी कैन सी दैट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स के अंदर अब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ तक जाने के बाद फिर हम अगला स्टेप क्या करते हैं, वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दें, देखें ए कितना आएगा थ्री, बी कितना आएगा माइनस टू इंटू बी प्लस सी और सी कितना आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमने ए बी और सी की कीमत निकाल ली, किस बात का बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि इसके अंदर ए बी सी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आप चाहें तो मेरा बेटा यहाँ पे कैपिटल ए यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल सी यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ए कैपिटल कर दिया बी कैपिटल कर दिया और सी कैपिटल कर दिया, इस तरह इनको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए चेंज किया क्योंकि सवाल के अंदर ही हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ऑलरेडी मौजूद हैं, तो अगर हम इस तरह इनको एक्सपोज करेंगे तो चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि आप ए और बी सी और सी को मिक्स ना कर जाओ और आपका सवाल गलत ना हो जाए। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मेरा बेटा हम इसे कैपिटल ए बी सी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर याद जाने के बाद वी नो दैट द क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो कैपिटल वर्ड्स में आ जाएगा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमने कैपिटल वर्ड्स में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो ए बी सी की कीमत है वो इसमें पुट कर देंगे, माइनस माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस फोर, दिस इज ए एंड दिस इज सी लेज, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी,
इसकी वैल्यू पुट कर दी, दिस इज 2, a की कीमत है 3। यहाँ तक करने के बाद जब हम इसकी कीमत को पुट कर लेंगे, जब हम क्या करेंगे, हम इसकी कीमत को पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो ये है, जो ये स्टेटमेंट है, वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, दिस इज x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा दिस इज 2 a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और बॉटम में आ जाएगा दिस इज 6। अब यहाँ तक जाने के बाद मेरा बेटा हम क्या काम करेंगे, चलें इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों में 4 मौजूद है, इसमें से a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। जब हम इसे कॉमन ले लेंगे ये 6, अब मैं इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दूंगा, जब मैं 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 2 बन जाएगा और ये अंदर बच जाएगी ये टर्म a प्लस बी प्लस सी माइनस, चलिए माइनस अभी ज़रब नहीं देते, अगले स्टेप में दे लेते हैं, दिस इज 6। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, जब 2 कॉमन लूँगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये a का स्केयर, ये हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जब इसको ज़रब देंगे माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, और बॉटम में हमारे पास आ जाएगा दिस इज 6। तो ये 2 6 के साथ कटेगा तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, तो ये आएगा a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। अब ये 2ab इसमें से करेंगे माइनस ab, ये इसमें से करेंगे माइनस bc, ये इसमें से करेंगे तो माइनस सी ए, तो ये हमारे पास बॉटम में आ जाएगा 3। देखिए अब यहाँ तक जाने के बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता होता तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसकी शक्ल और चेंज हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ तक जाने के बाद, क्योंकि हमारे पास ये जो है इससे फर्दर इसको सिंप्लीफाई होता मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि यही जो है हमारे पास इसकी गिवन जो है वो आंसर है इस सवाल में। फिर मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैंने पहले भी शुरू में भी आपको ये बात कही कि सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, दिस गिवन इक्वेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी आपके पास जो भी स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट आपके पास इस फॉर्म में होनी चाहिए, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब तक ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होगी, जब तक ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होगी, हम इसके अंदर ए बी और सी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों टर्म्स को किया, फिर इन दोनों टर्म्स को किया, फिर देखें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के जो हैं वो सारे के सारे टर्म्स इकट्ठी की, फिर हमने एक्स की टर्म्स इकट्ठी की, फिर हमने फ्री फ्रॉम एक्स की टर्म्स इकट्ठी की, फिर हमें नज़र आया कि हम इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं और ये फ्री फ्रॉम एक्स हैं, यानी ये सारी के सारी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं। द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, द कोफिशेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ये माइनस इसके साथ कैरी होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम माइनस को साथ कैरी करेंगे। फिर ए बी सी की वैल्यू उठा के उसके गिवन फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, जब हम ए बी सी की कीमत उसके गिवन फॉर्म में पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। फिर जो अगली जितनी भी स्टेपिंग है वो सारी की सारी हम आपको बड़े अच्छे से सिखाते आ रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने उसके अंदर इन टर्म्स को पुट करना होता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, हमने उसको सिंप्लीफाई करना होता है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जहाँ तक हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इट्स विल बिकम द आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड स्टडी किए हैं, द फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकेंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास
जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी, लेकिन वो बज़ाहिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास इक्वेशन आ जाए, सबसे पहला हमने काम ये करना होता है कि हमने सबसे पहले उसको गिवन जो भी इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो उसको हम कन्वर्टेबल भी बोलते हैं, रिडक्टेबल भी बोलते हैं, यानी हमने उस गिवन इक्वेशन को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, जब हम उसे कन्वर्ट कर ले, फिर इन तीनों मेथड में से जो मेथड भी आपके सामने आता है आप उस मेथड को अप्लाई करते हो, उस मेथड को अप्लाई करने के बाद आपके पास जो है उसके रूट निकल आते हैं, यानी हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसकी एप्लीकेशन किस तरह करते हैं। तो जब तक के लिए इजाज़त दें, अब हम थोड़ी सी अगली क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़।